सीधे मैं चलता हूँ सुरेंद्र राजपूत जी के पास। राजपूत जी, आज आपके एक विधायक ने बड़ा प्रदर्शन किया जुम्मे के बाद, क्या कांग्रेस उनके प्रदर्शन के साथ खड़ी है? और क्या मित्र देश के राष्ट्रपति को जूते से मारना, ये क्या कांग्रेस की संस्कृति हो सकती है? सुरेंद्र राजपूत जी। दीपक भाई, मैं उम्मीद करूंगा कि दो ढाई तीन मिनट जो आपने अभी चार पांच मिनट संबित पात्रा जी को दिया, अनइंटरप्टेड मुझे भी देंगे। बीच में कृपा करके उनको भी एक मिनट से ज्यादा नहीं दिया है, उनको भी इंटरप्ट किया है। नहीं नहीं, संबित पात्रा को आपने तीन से चार मिनट दिए। संबित पात्रा को ज्यादा वक्त, जी जी चार मिनट से ज्यादा दिए। मैं कल से ना कैलकुलेटर लेके बैठा करूंगा सुरेंद्र राजपूत जी। जी जी बिल्कुल, लेकर के अभी भी बैठ लीजिए, दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और बीच में मत बोलिएगा, मैं आपसे एक ये कृपा चाहता हूं। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण आई हैं आज की डिबेट में। पहली चीज तो मैं आपके सवाल का सीधा जवाब दे दूं, भारत के किसी भी नागरिक को हिंसा करने का, संविधान तोड़ने का, संविधान विरोध में कोई भी बात करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो हमारे दल का हो, चाहे भाजपा का हो और चाहे किसी और दल का हो। कोई भी हो, आपराधिक कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए, बहुत साफ बात है। अगर हमारे विधायक ने भी कहीं कोई कानून तोड़ा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत साफ सी बात है। जिस सरकार के अंतर्गत है, अगर उन्होंने कोई भी भारत का संविधान तोड़ा है तो वो कार्रवाई हो, इस बात को बिल्कुल भी हम वो नहीं करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है। मैक्रो का अगर फोटो लगा है वहां पर, तो मैं एक मांग और भी करता हूं कि मैक्रो के फोटो के साथ साथ महातिर मोहम्मद की भी फोटो लगनी चाहिए, उसके ऊपर भी उतने ही जूते चलने चाहिए जितने मैक्रो के ऊपर चले हैं। तीसरी बात मैं आपसे कहूं, अभी आदरणीय संबित पात्रा जी ने कहा कि किसी ने भी उसके ऊपर जूते नहीं चलाए, जी जिनपिंग के उसके ऊपर, तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, जिस जी जिनपिंग ने हमारे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, भारत देश के क्षेत्र पे कब्जा किया, उस पर किस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, संबित पात्रा ने जूते चलाए हैं, जरा बता दें। सच बात यह है कि इमरान खान के भी फोटो पे जूते चले, महातिर मोहम्मद पर भी चले, और अगर मैक्रो पर चल रहे हैं तो। एक बात बहुत स्पष्ट है, ये जान लीजिए कि भारत देश में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ा जा सकता विदेश की घटनाओं पर, वो चाहे फ्रांस में घटना हो, चाहे मलेशिया में घटना हो। मेरा सीधा सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी, आपने बिना गति बिना रुके बोला आरिफ मसूद पर, कांग्रेस आरिफ मसूद को कांग्रेस पार्टी किस दिन बाहर निकालेगी ये काम करने के लिए, इसका जवाब दे दीजिए। आरोप स्पष्ट हो जाएंगे, पार्टी कब कार्रवाई करेगी? हाँ, मैं आरोप स्पष्ट हो जाएंगे, आरोप पुष्ट हो जाएंगे, अदालत सजा देगी, कांग्रेस भी उसी समय सजा दे देगी, तुरंत देगी। लेकिन मतलब अदालत का इंतजार करेगी, कांग्रेस को प्रथम दृष्टया आरिफ मसूद का काम अपराध नहीं लगता? चित्र के ऊपर कब जूते चलाए, कब जूते चलाए जी सिंह पिंग के जूते? ठीक है, मैं बहस को चाइना पे नहीं लेने जाना चाहता।